हाय एवरीवन, हैप्पी दीपावली। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में दीपावली काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। अभी तक आपके घर में लाइट्स, रंगोली सब कुछ बन गया हो। देखो, आज छोटी दीपावली है और मैंने डिसाइड किया कि मैं आज व्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारी 3K से ऊपर हो चुके हैं एंड मैंने कभी आपको अपनी लाइफ या फिर फैमिली को पर्सनली नहीं दिखाया है। बट इस टाइम पे मैंने सोचा है क्यों ना एक फैमिली व्लॉग बनाया जाए, ताकि आप मुझे थोड़ा पर्सनली जान पाए, यू नो, थोड़ा और इंटरेस्ट आपका मेरे लिए बढ़े कि मैं क्या करती हूँ, कौन कौन मेरी फैमिली में रहते हैं एंड हम दीपावली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड हाँ गाइस, सॉरी मेरी वॉइस काफी अजीब लगेगी क्योंकि मुझे जुकाम हो चुका है, देहरादून में ठंड स्टार्ट हो चुकी है इसलिए। एंड अभी हम जा रहे हैं रंगोली बनाने और लाइटिंग वगैरह मैं आपको रात को दिखाऊंगी। बट अभी हम क्या करेंगे कि ये माला वाला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कहीं पर तो लगा दी बट अभी कहीं पर प्रॉपर नहीं लगाई है। और आज छोटी दीपावली है तो जो पहाड़ी लोग होते हैं वो दीपावली से जो एक दिन पहले छोटी दीपावली आती है उसे बग्वाल बोलते हैं और वो काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पकवान वगैरह बनाते हैं वो दूसरों के घर भी देने जाते हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ पर होता है या नहीं होता है, प्लीज कमेंट करके बताएं, बट हमारे यहाँ पर होता है। तो अभी पापा पकौड़ी बना रहे हैं एंड मामा पूजा कर रही है, तो उनसे आपको मिलाती हूँ और देखते हैं क्या क्या बन रहा है किचन में जाके। लेट्स गो। तो ये किस चीज की पकौड़ी बना रहे हो आप? ये गाइस मम्मी ने बनाई उड़द की दाल की पकौड़ी, ये देख सकते हो कितनी छोटी छोटी है। और यहाँ पर चल रही है हमारी पूड़ियाँ एंड हमारे घर में ना बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनती है। मैंने देखा किसी के घर में बहुत छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनती है एंड इसमें आई गेस अजवाइन वगैरह भी डाली है। तो यो अभी खाएंगे, पहले पूजा करेंगे, तो चलो पहले पूजा करने चलते हैं एंड फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है यहाँ पर। आज हमारे उत्तराखंड में छोटी दीपावली के नाम पे माना जाता है, जिसको गढ़वाली में भगवान बोलते हैं। अपनी पूजा को प्रारंभ करके दीपकों को जलाकर अपने घर को सुनहरा कर रही है और लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर प्रवेश करा रही है। हाय साक्षी, ये हमारे घर की लाइटिंग बहुत सुंदर। सो अभी मैं दिए जला रही थी तो पापा ने कैमरा ले लिया था एंड आपने देखा होगा पापा ने कैसी व्लॉगिंग करी, मुझे तो काफी मजा आया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। सो अभी मैंने घर के ही कपड़े पहने हैं क्योंकि कल मेन दीपावली है, तो कल मैं काफी प्यारे प्यारे कपड़े पहनने वाली हूँ। अभी जस्ट मैं आपको घर से, मैं भी खुद देखने आई थी, इनफेक्ट मैंने रात में नहीं देखा था। प्लीज सब्सक्राइब टू माय सिस्टर चैनल। एंड अब हम जाने वाले अपने पड़ोसियों के घर में उनको डिस्टर्ब करने। सो अभी हम आए हैं आंटी के घर में, लेट्स सी हमें क्या मिलता है खाने के लिए। सोन पापड़ी। हाय, हैप्पी दीपावली। सो आज है बड़ी दीपावली और आज हम बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। शाम को तो आपको पता है सबके घर जाकर प्रसाद बांटना है, कैंडल जलानी है, दिए जलाने, बट अभी हम क्या करने वाले हैं, रंगोली कंपटीशन करने वाले हैं। मैं, करिश्मा, साक्षी, हम तीनों के बीच में तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला है। तो चलो रंगोली बनाने चलते हैं और मस्ती करते हैं। प्लीज मेरी इस वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे बहुत तगड़ा वाला जुकाम लगा है। मैं इतना बोल भी पा रही हूँ वो भी मेरे लिए काफी बड़ी बात है। कलर बहुत कम है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा मंगा लेंगे, बट इनसे अभी ट्राई करते हैं कितना बन पाता है। हैप्पी दीपावली गाइस। सो ये है दादी और ये हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर दादी है। दो दो पेंसिल खा रही है। तो मैं रंगोली बनाने वाली गाइस, तो मुझे बनाना आता नहीं है, तो ये फैब्रिक क्विक का बॉटल था, इसके अंदर मैंने रेड वाला कलर डाला है और मैं ये वाली रंगोली बनाने वाली हूँ। साक्षी की रंगोली फाइनली बन चुकी है, मेरी ताई जी लक्ष्मी के पैर लगा रही है। इन दोनों के दोनों ने नेट से भी देखा बट इनके बस का कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। तेरे बस का देखेंगे, देखते हैं गाइस, मैं अपने माइंड से बनाऊंगी। सो अभी एक घंटा हो चुका है और मैंने सिर्फ इतनी सी रंगोली बनाई है। बताओ गाँव में दीपावली मनाते क्या क्या करते हैं वो बताओ। पूरी पकौड़ी, फिर खीर बनाते हैं और गेंदे की माला बनाते हैं, गाय के लिए पीना देते हैं, फिर उनके सिंह में तेल लगाते हैं, अच्छे ढंग से मनाते हैं। रंगोली तो पीले बना दी है, मैं तो प्रिया के लिए अभी बुलाया तुम्हारा, प्रिया के लिए गरम गरम चाय बनाऊंगी। प्रिया को बुला लो, मुझे रंगोली बनाने आ जा। क्या पता मेरे देहरादून से बाहर करी तो क्या हो, तो फिर मैं तेरी रंगोली बनाने थोड़ी ना आऊंगी। हमें स्पेशल करिश्मा कुछ बोलना चाहिए, दादी ने व्लॉगिंग करी अभी। नाइस, दूसरी हमारे घर से दादी थी। अभी ये क्या बना रखा है गरीब चिची, इसके कलर भी देख कैसे हैं, कितने डल कलर है। ये वाला ग्रीन देखिए और ये आटा, वाह वाह वाह, ये मिर्ची तो नहीं है।
क्या रंगोली है ये आटा है, आटे से बना रही है ये देखो। इसको ना मैं साफ कर देती हूँ। हाय गाइस, फाइनली मेरी रंगोली डन हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी ना आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट रात को जब उसमें पूरे दिए लगेंगे तब वो बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी सबसे पहले आप मेरी रंगोली देखो, फिर मैं भाभी की रंगोली दिखाती हूँ, एंड उसके बाद करिश्मा की। आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हुए होंगे उन्होंने देखा होगा करिश्मा की रंगोली, बट कोई बात नहीं, हम उसकी रंगोली भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रंगोली। सो ये रही मेरी रंगोली, और इनकी रंगोली भी काफी प्यारी है, छोटी छोटी। तो बैक कैमरे से दिखाऊं आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर है ये छोटी छोटी रंगोली जो कि काफी अच्छी लग रही है। गाइस मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इतनी मेहनत मैंने अपने पेपरों में नहीं की थी जितनी मैंने रंगोली में कर दी है। तो इसकी रंगोली दिखाते हैं, 1 2 3 गो। सो करिश्मा बोल रही है मेरी रंगोली अच्छे से दिखाना, तो ये है करिश्मा की रंगोली। गाइस इसमें हमने, इस रंगोली में हमने एक नया कुछ किया है, हमारी रंगोली में मच्छर ना बिलके, तो हम लोगों ने मोर्टिन बना रखा है जिससे मच्छर एकदम मर जाए। मैम ये बिलके क्या होता है? ये बिलके होता है चिपकना। तो इस लड़के की इंडिया में ये लास्ट दीपावली है, इस वजह से ये आप देख सकते हैं कितने सारे पटाखे लेकर आया है, पूरा दुकान उठा के लेके आया है। स्टॉल लगाने वाले क्या इसके बाद है? कितने के हैं पूरे पटाखे? 8,000 के इतने सारे पटाखे। और कल छोटी दीपावली में भी फोड़े थे इसने, बड़े बड़े पटाखे लग रहे हैं, एंड शाम को हम भी फोड़ेंगे। बट फिलहाल हम जा रहे हैं गाइस मोमो खाने। सो गाइस इवनिंग हो चुका है और लाइट्स चल गई हैं जैसे कल मैंने आपको दिखाया था। सो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब बाहर सारे घरों में दिए और कैंडल जलने वाले हैं और पूजा होने वाली है। आप मेरा आउटफिट देख सकते हैं, आई नो मैं थोड़ा प्यारी लग रही हूँ, एंड वीडियो में नहीं लग रही हूँ क्योंकि यार आई डोंट नो मेरी फोटो एंड वीडियो अच्छी नहीं आती है। बट आप ये देख सकते हैं, ये मैंने पहने ग्रीन इयररिंग्स, थोड़ा मेकअप करा है, थोड़ा नहीं थोड़ा डार्क करा है ताकि मैं अंधेरे में ज्यादा चमकूं, एंड ये मेरी वॉच है, एंड ये मेरा ड्रेस है। तो अभी आपको फैमिली मेंबर्स से भी मिलाते हैं, और मम्मी शायद कुछ बना रही है तो किचन में चल के देखते हैं क्या बना रही है अभी, और उसके बाद हम दिए जलाएंगे और कैंडल जलाएंगे, फिर पटाखे फोड़ेंगे, काफी फन होने वाला है। तो या सो यहाँ पर मम्मी पापा आई थिंक कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे गाइस, क्या बन रहा है? लक्ष्मी पूजा के लिए पकौड़ी। सो लक्ष्मी पूजा के लिए बन रही है पकौड़ी। मम्मी किस चीज की पकौड़ी बन रही है? उड़द दाल की पकौड़ी। सो मम्मी और पापा बना रहे हैं उड़द दाल की पकौड़ी जो कि प्रसाद में देंगे। तो अभी बनाओ बनाओ, हम पूजा की तैयारी करते हैं। फाइनली हमारी पूजा डन हो चुकी है, और अब हम अपनी रंगोली में चारों तरफ से लगाएंगे दिए, एंड ये है प्यारा सा दिया फॉर माय रंगोली। लेट्स गो, इसको यहाँ पर रखते हैं सेंटर में ताकि हमारी रंगोली काफी ब्यूटीफुल सी लगे, एंड ये गया हमारी रंगोली के बीचों बीच दिया। और यहाँ पे हमारे पड़ोसियों का फोटो शूट हो रहा है। भैया हेलो, हाय, हैप्पी दिवाली आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई आपको, सब लोगों को हैप्पी दिवाली। मेरी बेटी का चैनल सब्सक्राइब करो। हिमांशु इधर से, हाँ तुलसी के पास भी रख दे, प्रिया रंगोली में रख दे, रंगोली में चारों तरफ से रख दे। आप ये देख सकते हैं गाइस अभी कितना सुंदर लग रहा है, एंड हिमांशु हेल्प करे। ओ ये हमारी मातेश्री कितनी प्यारी लग रही है, मैचिंग कर रही है पूरी रंगोली के साथ। हे एवरीवन, वंस अगेन हैप्पी दीपावली। आई होप आप सब अपनी फैमिली के साथ काफी इंजॉय कर रहे हो, काफी अच्छे तरीके से दीपावली आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड आज हमें बहुत मजा आया, हम सारे कजन्स लोग एक साथ मिले हैं, पटाखे फोड़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और अभी हमने दिए जलाए और कैंडल जलाई, पूरा घर काफी अच्छा लग रहा है। एंड मेरा भाई हिमांशु का ये लास्ट अगले 4 सालों के लिए यहाँ पर इंडिया में लास्ट दीपावली होने वाला है, और हम काफी मजे कर रहे हैं, इसके बाद हम पटाखे फोड़ेंगे। और यह अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी हमें और बहुत ज्यादा इंजॉय करना है, लोगों के घर जाएंगे, प्रसाद वगैरह बांटेंगे, आप सबको पता ही होगा। एंड दीपावली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, होली भी है बट दीपावली ज्यादा है। तो यह अभी फन करते हैं, बहुत खुश मिजाज लग रहे हैं सारे, दीपावली को बहुत अच्छे से मना रहे हैं, कैंडलों को जलाते हुए, बहुत खुशी का माहौल है घर में। 1 2 3 गो, मेरे तुम्हारे अभी सब गाओ तो वाली। हैप्पी दिवाली गाइस, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली। मैं तो अभी 2 साल की बच्ची हूँ। तो अब हमारी दादी जी जलाएंगे फुलझड़ी। एंड दादी जला, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पावर के हार्दिक अब ऐसे करो। सो गाइस, इनके साथ मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ। दूसरों की गाड़ियों के नीचे बम फोड़े, बम पिछवाड़े में लगाएंगे आग, फिर इसको ऊपर आसमान में छोड़ेंगे। एंड चारों तरफ का व्यू काफी गजब है गाइस, देख सकते हो चारों तरफ लाइट ही लाइट है। अभी हम सबसे ऊपर वाले छत में आ चुके हैं और इसे काफी केयरफुल तरीके से ओपन करना पड़ता है, जो कि हमारे ब्रदर ने कर दिया है। पूरा जला दिया आपने, खुश हो गया। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं संतु दीदी के क्रश के घर के आगे पटाखे फोड़ने हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है, आ जाओ। ये चरखी चला रही है और ये किसी का घर है, इसके अंदर डाल रहे हैं। चल सक्सी सक्सी जल्दी कर, देख रहे हो इस बंदी को कर दिया। दीदी क्या हो गया? ओ, ओ, मेरा हाथ जल गया। सच में हो? हाथ क्या चला रहे थे? अबे लाइटर तो तूने दिया था। बुढ़िया हाँ। सच बताओ, वो तो नीचे फेंकने पे फूटता है। वो मेरे हाथ में जल गया। सो गाइस, फाइनली मुझे दीपावली गिफ्ट मिल चुका है। मेरा हाथ में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, कितना ज्यादा जल गया। और अभी लक्षित और साक्षी ने तेल लगा दिया मेरे हाथ पे, बट मुझे फिर भी अभी पटाखे फोड़ने हैं। लेट्स सी कितने फोड़ पाते हैं। मजा आ रहा है दूसरों के घर पटाखे जलाने के बाद?